हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो टेबल फैन रिपेयर करने के लिए, तो आज इस वीडियो में बताऊंगा टेबल फैन कैसे रिपेयर करेंगे। जैसे कि अभी मौसम घुस चुका है मार्च से अप्रैल, तो अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है। तो ये पंखा जो हमारे पास दुकान में पहले ही दिन रिपेयर होने के लिए आ गया है गर्मी स्टार्ट होते ही। तो इस पंखा में बहुत ही लॉजिक ट्रिक मैं बताऊँगा, जो कि एक मिनट में आप इस पंखे को ठीक कर सकते हैं। जिससे कि आपने थंबनेल में देखा कि एक चुटकियों में हमारे पंखा को ठीक करें या एक मिनट में ठीक करें। तो चलिए इस पंखा का यहाँ पर लाइन में लगाते हैं। हमारा सीरीज लाइट जो है जल जा रही है और पंखा जो है नहीं चल रही है। जब भी ऑन कर रहा हूँ पंखा का जो है ये चल नहीं रही है। अचानक ये पंखा हमारा जो है बंद हो गया है, तो ऐसा कस्टमर का कहना था। और पंखा हमारा पूरा फ्री है, तो इस तरह से प्रॉब्लम अगर आता है, आपका पंखा पूरा फ्री है और नहीं चल रहा है, तो बहुत सारा रीज़न होता है फ्रेंड। लेकिन आज मैं एक रीज़न बताऊँगा, आपको कन्फ्यूजन करने की कोई दिक्कत नहीं है। आप हाँ, अगर अलग अलग रीज़न आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं सेकंड वीडियो जब डालूँ तो आप उस वीडियो को भी देख पाएंगे। तो चलिए मैं अब इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि लाइव करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो इसको ओपन करना है, ये आपका अभी टाइट हो रहा है, उल्टा साइड में ये ओपन होगा, तो इसको इजीली ओपन कर लेंगे। तो एक एक प्रॉब्लम को लेके मैं आपको टिप्स देता रहूँगा, ताकि आप इजीली फैन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड, इस पंखा में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि इस पंखा में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और जो प्रॉब्लम है वो इजीली आप घर में ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कोई टेक्नीशियन या कोई दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। तो चलिए इस पंखे को ओपन करना है, पंखे को खोल लेना है अच्छी तरीके से, इजीली ये पंखा खुल जाएगा। और ये चाइनीज़ पंखा है, और ये सब प्रॉब्लम फ्रेंड आपका जो आता है नॉर्मल पंखा में या लोकल माल में, तो जो दिखा देते हैं हम आपको, ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं, इस कैपेसिटर के वजह से यहाँ पे इस पंखा में प्रॉब्लम आया है। और अगर इसके वजह से भी ना हो तो कोयल के वजह से प्रॉब्लम आता है, मैं जो बता दे रहा हूँ। लेकिन उसका प्रॉब्लम को सॉल्व इस वीडियो में नहीं होगा, इस वीडियो में आपको जो सॉल्व होगा इस कैपेसिटर की वजह से। तो चलिए मैं आपको चेक करने के लिए दिखाते हैं किस तरीके से चेक करेंगे कोयल को और कैपेसिटर को, उसके बाद हम यहाँ पर कैपेसिटर को चेंज करके और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैं सारा चीज़ को डिटेल में बताने का कोशिश करूँगा, ताकि आप इजीली समझ पाएंगे। तो मैंने एक कैपेसिटर का पॉइंट को खोल दिया, ये दो कैपेसिटर का पॉइंट है आपको पंखा के अंदर में दिखेगा। तो ये जो है हमारा पंखा के लिए तार आया हुआ है, ये दो मेरा कैपेसिटर का पॉइंट है, और एक रेड वाला जो है हमारा मेन पॉइंट है, जो कि कोयल में तीन वायर है। किसी किसी कोयल में चार वायर होते हैं, तो एक कॉमन है, यहाँ करके तीन वायर ही यूज किया जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोयल को चेक करेंगे सृष्ट स्लैम की मदद से। तो ये हमारा सृष्ट टेस्ट लैम्प है, जिसमें कोयल को चेक कर रहा हूँ, हमारा कोयल जो है ठीक बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कोयल में। आपके पास भी सृष्ट स्लैम्प नहीं है तो हमारे चैनल में सृष्ट स्लैम्प का वीडियो बना हुआ है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं और सृष्ट टेस्ट लैम्प को बना सकते हैं। देखिए, जब भी यहाँ पर कोयल चेक करेंगे, आपका लाइट थोड़ा बहुत जलना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, जैसा मेरा डिम जल रहा है। तो दोनों कोयल में हमारा डिम जल रहा है, ये रेड में रख के मैंने टेस्ट किया, रेड वाली पॉइंट जो कोयल का, एक मेरा तीन वायर यहाँ पे आ रहा, आपको दिख रहा होगा, तो एक वाली पॉइंट में मैंने रख के टेस्ट किया, जिससे कि दोनों में हमारा जो है सृष्ट स्लैम्प चला। अब मैं दिखाता हूँ फ्रेंड मल्टीमीटर से टेस्ट करके कैसे टेस्ट होगा। तो चलिए, एक ये पॉइंट हो गया, ओम में सेलेक्ट करेंगे मल्टीमीटर को, और देखिए यहाँ पे 210 ओम बता रहा है, रेड वाले वायर में रखें, और देखिए ब्लैक वाले में भी 226, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा ओम का। तो देखिए, ये हमारा कोयल ठीक है मल्टीमीटर के हिसाब से। लेकिन एक बार आप सृष्ट स्लैम्प से जरूर चेक करें, अगर छोटा मोटा कोई फॉल्ट होगा तो सृष्ट स्लैम्प में वो फॉल्ट को नज़र आ जाएगा, और आपका कोयल को सही है नहीं वो बता देगा। अब मैं यहाँ पे कैपेसिटर का रेंज चेक कर रहा हूँ कि कितना आ रहा है, तो ये बहुत ही कम है, NF मतलब PF कैपेसिटर नहीं, PF के बराबर है।
तो ये कैपेसिटर कहाँ से काम करेगा इस पंखा के लिए। तो यहाँ पे न्यू कैपेसिटर को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ न्यू कैपेसिटर को भी टेस्ट करके। तो चलिए मैं न्यू कैपेसिटर को ले आता हूँ। तो आपको यहाँ पे वीडियो में कुछ सीखने को मिल रहा है फ्रेंड, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। इससे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है। अब चलिए इस कैपेसिटर को भी चेक करेंगे। और ये जो कैपेसिटर मैं चेक कर रहा हूँ, ये मल्टीमीटर आपको 1500-1600 रुपये के अंदर मिलेगा। ऑनलाइन आप चेक कर लेंगे, कहीं पर भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 2.5 माइक्रोफैरड बता रहा UF, तो यहाँ पे जो है ये कैपेसिटर हमारा 2.5 का, इसलिए 2.5 बताया। लेकिन इसमें NF बता रहा है, NF मतलब PF होता है, जो कि सर्किट बोर्ड ये सब में यूज किया जाता है, वो आपका यहाँ पे चलने वाली नहीं है। तो चलिए हमारा यहाँ पे कैपेसिटर नया मैंने चेक कर लिया, आपको वो भी चेक करके दिखा दिया कि यहाँ पे 2.5 मेरा जो रियल है वो बता रहा नया कैपेसिटर में। चलिए मैं इसको इंस्टॉल करूँगा इससे पंखे के लिए। उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद आपका जो है पंखा चलने लगेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक मिनट में, तो यही है एक कैपेसिटर को चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट। तो फ्रेंड आपको जानकारी कुछ ना कुछ मिला होगा ज़रूर। और चलिए मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाते हैं। अभी पंखा हमारा उल्टा चल रहा है, इसको चेंज करेंगे कैपेसिटर पॉइंट को, ये वाली पॉइंट में देंगे पीला वाली जो वायर है, और वो वाले वायर को उधर चेंज कर दिए। अब हमारा पंखा जो है सीधा चल रहा है। तो टेप मार लेंगे इसमें और उसके बाद मैं इसको चला के दिखाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे टेपिंग करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे टेप लगा लिया है। और उसके बाद इसको लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब मेरा कंप्लीट हो चुका है और इसको चला के आपको दिखाते हैं। लाइन में लगा दिया हूँ, अब इसका स्विच को ऑन करेंगे। चलिए ऑन करते हैं और ये देखिए पंखा का स्पीड जो है बहुत ही तेज़ हो चुका है और बहुत ही स्मूथ चलने लगा है, जो कि नया में होता है स्पीड। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम था आपके लिए मैंने वीडियो बना दिया, और बड़ी प्रॉब्लम है और इससे कुछ रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में फैंस रिपेयरिंग वीडियो का आपको वीडियो मिल जाएगा, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारा वीडियो आने वाली फैंस रिलेटेड। तो अगर चैनल पे न्यू है, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड।